नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। जो बेस्ट क्वेश्चन थे उसका पार्ट वन आ चुका है, उसके जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन थे उसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे, इसका जो आंसर है वो पीडीएफ मैंने चेंज कर दिया, इसका आंसर 1:3:1 आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था, वापस बोल देता हूँ मैं। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:5 है और उनके खर्चों का अनुपात 5:11:9 है। यदि ए अपनी आय का 16 सही 2/3% बचत करता है तो ए बी और सी की बचत का अनुपात बताइए। ठीक है, तो ए बी और सी हैं अपने पास। ओके, तो यहाँ पर लिखा मैंने ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इनकी आय का अनुपात है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया, आय इनकी इनकम का रेशो है 3:7:5 है और उनके खर्चों का जो अनुपात है वो 5:11:9 है। ये उनके खर्च का या व्यय का अनुपात कितना है, 5:11:9 है ये। ठीक है, ए अपनी आय का 16 सही 2/3% की क्या करता है, बचत करता है। 16 सही 2/3% की बचत करता है और 16 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3% होता है 1/6, 1/6 की बचत करता है। तो ये बार बार बताया गया है कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इसकी इनकम को और ये ऊपर रिप्रेजेंट करेगा इसकी बचत को। अगर ऐसा बोलता कि 16 सही 2/3% खर्च करता है तो एक खर्च होता 6 इनकम होती और 5 क्या होती, बचत। तो अल्टीमेटली यहाँ पर लिख पाऊँगा मैं, इनकम बराबर बचत प्लस खर्च। इनकम देखिए कितनी है 6, बचत कितनी 1, तो रेशो में रिप्रेजेंट कर देते तो खर्चा कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं पहले इसको रेशो मेथड से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल मेथड है ये। अब देखिए होने का वाला है कि हमें ए की चर्चा हो रही है, ए अपनी आय का 16 सही 2/3% बचत कर रहा है, यानी कि ए की जो इनकम का रेशो वो तो 6 होना चाहिए और खर्च का रेशो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यानी कि इनकम का तो रेशो होना चाहिए 6 और खर्च का रेशो कितना होना चाहिए, 5 और किसका, ए का। लेकिन यहाँ पर ए की इनकम का रेशो तो 3 है और खर्च का कितना है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, या तो पहले इन दोनों को बराबर कर लो, समझ पा रहे हो, या तो पहले इन दोनों को बराबर कर लो, ठीक है, या फिर एक्स वाई मान के भी आपको करवा दूंगा मैं, अभी एक मिनट लगेगा मुझे। ठीक है, अब देखिए आप सभी, मैंने क्या किया, इन दोनों को बराबर किया तो इसको मल्टीप्लाई की मैंने 5 से और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से। अब देखिए इसका रेशो 6 बनाना है तो इसको कितने से गुना कर दिया, 6 से, और इसको कितने से गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया। अब देखिए इस पूरे ए की जो इनकम है कितने से गुना हो रही है, 30 से, और इसकी गुना किससे हो रही है, 15 से। अगर इसको 30 से गुना करें तो अकॉर्डिंग टू रेशो रूल इसको भी 30 से गुना करेंगे और इसको भी 30 से गुना करेंगे, सेम प्रोसेस यहां पर फॉलो करेंगे। अगर इन इसको 15 से गुना किया गया तो इसको भी कितने से गुना करेंगे, 15 से गुना करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है और अल्टीमेटली क्या आने वाला है, अगर इनकम में से खर्च घटाएंगे तो ये क्या आएगा, बचत आएगा। अगर इनकम में से खर्च घटाएंगे तो ये क्या आएगा, बचत आएगा। अब देखिए जरा इत्मीनान से, 6 × 5 = 30 × 3 कितना आएगा, 90 आएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 आया, 5 × 3 = 15 × 3 कितना आएगा, 45, ये गोले में लिख रहा हूँ मैं नए वाले। 30 × 7 कितना आएगा, 210, तो इसके बगल में लिख दिया 210। 11 × 15 = 165, तो यहाँ पर कितना लिख दिया, 165। 30 × 5 कितना आएगा, 150, तो यहाँ लिखा 150। और 15 × 9 कितना आएगा, 135, मैंने लिख दिया 135। तो ए की इनकम थी 90 रुपये और खर्चा था 45 रुपये, तो 90 में से 45 गए बचा 45, रेशो 210 में से 165 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए आप सभी, 15 × 75 कितना आएगा, 75, और 90 में से 75 जाएगा कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, 210 में से 165 जाएगा, 45 बचेगा, और 150 में से 135 आएगा 15। इसे और सिंपलीफाई कर सकते हैं, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45 और 15 × 15। ये अल्टीमेटली मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया 1:3 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब एक्स वाई से मैं ये वाला करवा देता हूँ आप सभी को। ठीक है, एक्स वाई से ये वाला करवा देता हूँ, आप फिर ये घर पे डील कर लेना ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छे से सभी के सभी विद्यार्थी।
चलिए ए बी और सी की आय का अनुपात 7, 9 और 12 है। ए बी और सी, ये देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी की जो इनकम है इसकी इनकम का रेशो कितना है 7:9 कितना है 12 है, और इसके जो खर्च का रेशो है वो 8:9:15 है। जाहिर सी बात है, अब जाहिर सी बात क्या है, अगर इनकम में से खर्च घटाओगे तो क्या आएगा, बचत आएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात बताओ भी, इनकम 7 है और खर्च 8 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि इनके साथ किसी ऐसे वेरिएबल की एक ऐसे डिजिट से गुना हो रही है, इसकी अलग डिजिट से गुना हो रही है और इसकी अलग डिजिट से गुना हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप सभी, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसे मानने जा रहा हूँ 7x 9x 12x, क्योंकि अगर इसको x से गुना किया तो इसको भी x से और इसको भी x से, और इसको माना 8y 9y और 15y, तो हम क्या कर पाएंगे अभी सभी बताइएगा। अगर इनकम में से खर्च घटाएंगे 7x - 8y रेशो 9x - 9y अनुपात 12x - 15y, आई बात समझ में। अब देखिए आप सभी, उसने बोला ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है, ए अपनी आय का 1/4, ए की इनकम कितनी है 7x, यानी कि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। अब ए की बचत कितनी है 7x - 8y, तो 7x - 8y सिंप्लीफाई करेंगे, इस 4 को इससे गुना करेंगे, अच्छे से सुनना सभी के सभी, यहाँ पर आएगा 7x = 7 × 4 = 28x - 32y। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से देखना, ये 7x इधर आ जाएगा और ये 32y इधर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली लिख पाएंगे 32y = 21x, और अंततः रूप से हम लिख पाएंगे y/x, दिख पा रहे हैं ना आप सभी को, सॉरी ये देखिए y/x = कितना आएगा 21/ कितना 32 आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 21 लगाएंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम कितना लगा पाएंगे 32 लगा पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सभी के सभी, 7 × x की वैल्यू कितनी आई है 32 से गुना करेंगे, माइनस 8 × y की वैल्यू कितनी आई है 21, ये ब्रैकेट लगाया, ये रेशो लगाया, 9 कॉमन आएगा, x की वैल्यू 32 है और y की वैल्यू 21 है, फिर यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहते हो तो ले लेना, अदरवाइज सीधा कर देते हैं, x की वैल्यू है 32 माइनस 15 × y की वैल्यू है 21, इसे सिंप्लीफाई करना है, तो 32 × 7 होता है 224 माइनस 21 × 8 168 रेशो, यहाँ पर देखिए 32 में से 21 गया, कितना बचेगा 11, तो 9 × 11 कितना आएगा 99 आएगा। ठीक है, हालांकि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 99 है, तो अपना आंसर ये टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं आगे चलिए, अगर सर दो ऑप्शन में 99 होता तो 32 × 12 होगा 320 में 64 जोड़ेंगे 384 माइनस, और 21 × 15 आएगा मेरे ख्याल से 315। चलिए जी, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 56:99:69, तो ये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और अच्छे क्वेश्चन थे, पीडीएफ में डाल दूंगा ये जो मैंने सोल्व करवाए हैं आप सभी को, बाकी आप अच्छे से इत्मीनान से कोशिश करिएगा। तो ये था अपना जो पार्ट फर्स्ट था, ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट था उसके क्वेश्चन थे ये, अब हम करते हैं पार्ट सेकेंड। आज का जो सेशन है या आज के जो क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप सभी को, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आएगा ये। चलिए, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, ये उसका क्वेश्चन है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, इसका मतलब है कि हम फॉर्म भरते हैं ना गवर्नमेंट सर्विस के लिए फॉर्म भरते हैं, तो जो फॉर्म भरे हैं वो आवेदन होता है, और जिन्होंने फॉर्म भरे जिनके द्वारा फॉर्म भरे गए हैं वो आवेदक कहलाते हैं। ठीक है, यदि चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच जो रेशो है वो 19:17 था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चयनित और गैर चयनित, ये लीजिए जी चयनित रेशो गैर चयनित, चयनित और गैर चयनित रेशो, जो रेशो था वो कितना था 19:17 था। ठीक है, ये उसकी कंडीशन थी। यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो पहले बीतना था सो बीत गया,
अब ये बोल रहे हैं कि यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, यानी कि पहले कितने थे, तो ये देखिए चयनित और गैर चयनित टोटल कितने थे, तो 17 प्लस 19 कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36 होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये 19x है, ये 17x है और ये 36x है। अब वो कंडीशन क्या रखी है उन्होंने, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, ठीक है जी, भी पहले मान लो अगर 36x थे, xx मानना पड़ेगा हम सभी को, यदि 1200 कम आवेदकों ने आवेदन किया होता, ये लो जी सेकंड कंडीशन में मैंने लिख दिया कि ये लो जी 1200 बंदे कम आए हैं और 800 आवेदक कम चुने जाते, देखो जो पहले चुने गए थे 19x चुने गए थे, अब कितने कम चुने जाने हैं, 800 कम चुने जाने। तो एक बात बताओ, हमें कंडीशन तो सेटिस्फाइड करवानी है ना, भी 19 प्लस 17 बराबर 36 था, तो 36 में से 19x जाएगा तभी तो ये आएगा। अगर 800 आवेदक कम चुने जाते तो सॉरी 800 आवेदन कम चुने जाते, ये तो कम चुन लिए, तो 400 ना चुनने वालों से में भी होते, क्योंकि -800 प्लस -400 इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आएगा, 1200 आएगा। और अंततः वो बोल रहा है तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच का अनुपात 1:1 होता, तो चयनित और गैर चयनित आवेदकों के बीच जो रेशो है वो कितना होता, 1:1 कितना होता, 1 होता। अब आपकी मर्जी है, ये देखिए मैं बटे यहाँ पर 2 भी लगा सकता हूँ, चाहे इन दोनों से डील कर लो, चाहे इन दोनों से डील कर लो और चाहे फर्स्ट और लास्ट से डील कर लो, मैं इनसे करने जा रहा हूँ। हालांकि ये बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको करना कैसे है सुन लीजिएगा सभी, चयनित हैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ मैं 19x माइनस 800, ये बराबर कितना, ये देखो चयनित के बराबर 1 लिखा और उधर 17x माइनस 400 बराबर कितना, ये तो 1:1 अगर 2:1 आता तो 2/1 लिखते हैं, ठीक है। सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ही इक्वेट पहले ही लिखना था, ये तो आप सभी के लिए लिखा मैंने, इसे लिख पाऊंगा मैं 19x माइनस 400 बराबर 17x, 19x माइनस 800 बराबर 17x माइनस 400, ये इस साइड आएगा 2x बराबर वहाँ जाएगा 400, अल्टीमेटली x की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आएगी। x की वैल्यू कितनी, 200। हम सभी से पूछा है नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, कितने आवेदकों ने आवेदन किया था, 36 आवेदकों ने, x की वैल्यू कितनी, 200, तो 36x है, तो 36 को कितने से गुना करोगे, 200 से गुना करोगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 7200 आएगा, 7200 आएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं जी जो आपको बतानी जरूरी थी, अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको हेल्प जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाना, जैसे भी आपको उचित लगे, ये जो मैंने आज स्टार्ट किया ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करी है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया करो, आप सभी शेयर जरूर किया करो, आपसे गुजारिश है मेरी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया जाएगा, और ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।